टेंथ स्टैंडर्ड का सिमिलैरिटीज मैथ्स टू का फर्स्ट चैप्टर। इसमें हमको देखना है सबसे पहले कि अगर मेरे पास दो नंबर्स है ए और बी, वो प्रपोर्शन में है या वो रेशियो में है, दोनों भी नंबर ए और बी, और उनका रेशियो एम इंस एम बाय एन आ रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो दो नंबर है हमारे पास ए एंड बी आर इन द प्रपोर्शन एम इज टू एन। नेक्स्ट जो है अभी हमारा हम देखेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रू ट्रायंगल्स। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स देखने के लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है। तो आप सबको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर किसका भी एरिया जो होता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स देखने के लिए हम क्या करेंगे कि दो ट्रायंगल लेंगे। तो एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, और ए डी जो है वो ए बी सी की हाइट है, ट्रायंगल ए बी सी की, और पी एस हाइट है ट्रायंगल पी क्यू आर की। तो अभी हमको ये सब कुछ वहाँ पे लिख लेना है। तो ए डी हाइट और बी सी बेस है फर्स्ट ट्राइंगल में ए बी सी में, और पी क्यू आर में पी एस हाइट है एंड क्यू आर बेस है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है इज इक्वल्स टू हाफ इन टू बेस इन टू हाइट लिखा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ इन टू बेस इन टू हाइट। ए बी सी का बेस है बी सी और उसकी हाइट है ए डी, और पी क्यू आर का बेस है क्यू आर और उसकी हाइट है पी एस। तो यहाँ से डायरेक्टली हाफ हाफ जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ सिर्फ क्या बचेगा, हाइट इंटू बेस इंटू हाइट बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो आपको इसमें ध्यान में आ रहा होगा कि जब हम एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स लेते हैं तो ये किसका रेशियो आया है, बेस वन मतलब पहले ट्रायंगल का बेस इंटू पहले ट्रायंगल की हाइट दूसरे ट्रायंगल का बेस इंटू दूसरी ट्रायंगल की हाइट। इट्स अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन बेस इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। तो अभी हमको इसमें अलग अलग केस भी देखने हैं। अगर हमारे पास ये हाइट अगर सेम है, ठीक है, सपोज ये हमारे पास h1 दोनों की हाइट अगर सेम है, तो आपको पता अगर सेम रहा तो ऐसे भी ये कैंसिल हो जाएगा। पहली कंडीशन ये है अगर हमारी हाइट सेम रही तो एरिया जो है दोनों ट्रायंगल का उसका रेशियो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ बेस मतलब b1 अपॉन क्या आएगा b2। अगर क्या रहा दोनों की, दोनों ट्रायंगल की अगर हाइट सेम है तो, और दूसरे कंडीशन में अगर दोनों ट्रायंगल का सपोज बेस सेम है, तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है तो दोनों ट्रायंगल का अगर बेस सेम हो गया तो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स फिर क्या हो जाएगा, h1 अपॉन h2। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज अलग अलग। पहले हमने क्या देखा कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल, बट उसमें भी पहली कंडीशन क्या है, अगर दोनों की हाइट सेम रही, तो हाइट अगर सेम रही तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, फिर h1 अपॉन h1 आ जाएगा, तो ये h कैंसिल हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में अगर हाइट सेम है तो दोनों एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विल इक्वल्स टू द बेस इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर बेस। और इन केस और जब हाइट एक ही है या हाइट सेम है, उस केस में एरिया और एरिया तो है बेस आ जाएगा, ये हमने देख लिया अभी। फिर अगर बेस सेम है दोनों ट्रायंगल का, अगर ऐसा हो सकता है दोनों ट्रायंगल का बेस अगर सेम है तो वो कैसे सेम रह सकता है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है उसके अंदर ये दूसरा ट्रायंगल है, तो दोनों का बेस जो है वो क्या है, सेम है और हाइट अलग अलग है। ऐसे केस में क्या होगा कि दोनों एरिया जो रहेगा, ए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विल बी h1 अपॉन h2, क्योंकि बेस अगर सेम है तो ऑब्वियस है बेस उसका क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमको ये दोनों कंडीशंस ध्यान में रखना है, और ये हो गया हमारा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो हम सबसे पहले रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल का सॉल्व एग्जांपल देखेंगे।
हमको ये डायग्राम दी हुई है पेज नंबर 3 पे, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया है और डी बी सी एक दूसरा ट्रायंगल दिया है। तो ए बी सी की हमको हाइट दी है बी सी, क्योंकि बोला है ए ई जो है इस परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और बोला है डी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन बी सी। तो हमको ए ई और इसकी वैल्यू दी हुई है, ए ई की वैल्यू दी हुई है हमको, हाइट दी है पहले ट्रायंगल की 4 और डी एफ दिया हुआ है हमको 6। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो आपको इससे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बी सी और बी सी मतलब ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी और डी बी सी इन दोनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है। हमको यहाँ पे ट्रायंगल लिखते समय भी ध्यान में आ गया होगा ए बी सी और डी बी सी दोनों का बेस क्या है, सेम। तो इनका रेशियो जो है एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स का, उनका रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, हाइट 1 अपॉन हाइट 2। ये कंडीशन देखी है हमने, जब बेस सेम रहते तब रेशियो सिर्फ क्या आता है, एच 1 अपॉन एच 2। दोनों भी हाइट हमारे पास अवेलेबल है 4 अपॉन 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 2 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल है पेज नंबर 4 का, उसमें हमको डायग्राम दी गई है ए बी सी और ट्रायंगल है, उसमें ए पी क्या है बेस है और पॉइंट डी है बी सी पे, और हमको डी सी की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दी है, मतलब पूरा बी सी दिया है और हमको डी सी भी दिया है, उसकी वैल्यूज हमको दी है 6 और 15। और हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी। तो हमको जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालना है, दिस ए बी डी, तो हमको बी डी की वैल्यू लगेंगी, बट बी डी हमारे पास है नहीं, तो हम बी डी को सबसे पहले क्या कर लेंगे, फाइंड आउट। तो बी डी को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी डी इज़ नथिंग बट वॉट, बी सी में से अगर हम डी सी माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, बी डी। तो बी सी की वैल्यू हमको दी है 15 और डी सी की भी वैल्यू हमारे पास है, तो हम लोग ईजीली बी डी फाइंड आउट कर सकते हैं, 15 माइनस 6 और हमारा बी डी हो जाएगा 9। तो ईजीली अभी ट्रायंगल ए बी डी और ए बी सी देखते हैं, ए बी डी और ए बी सी दोनों की हाइट क्या है, एक ही हाइट है, ए पी हाइट है। तो एरिया ऑफ जो निकलेगा रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो निकलेगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसमें सिर्फ क्या आएगा, फिर बेस आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दोनों में हाइट क्या है, सेम है, ए पी ए पी, तो सिर्फ क्या आएगा, बेस। इसका बेस क्या है, ए बी डी का बी डी। आप इस यहाँ से भी देख सकते हैं, जो लास्ट की जो ये होती है वो क्या होता है, बेस होता है, ट्रायंगल के लास्ट के जो हमारे पास वर्टाइसेस होते हैं ना, उसको हम लोग एज अ बेस भी लिख सकते हैं। बी डी की वैल्यू अभी निकाली हमने 9 और बी सी की वैल्यू हमारे पास है 15। तो ये दोनों भी 3 से डिवाइड होते हैं, 3 3 9 और 3 5 15, 3 3 9 3 5 15। तो हमारे पास रेशियो क्या आया, 3:5। सिमिलरली हम नेक्स्ट ट्रायंगल का भी रेशियो निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो वहाँ से भी बेस देख सकते हैं, बी डी इसका बेस है ए बी डी का और ए डी सी का बेस है डी सी, या यहाँ से भी लिख सकते हैं बी डी एंड बी डी सी, बी डी और डी सी दोनों का बेस है। और हाइट क्यों नहीं ली, क्योंकि हाइट दोनों की भी क्या है, सेम, ए पी हाइट जो है दोनों की सेम है, इसीलिए हमने लिखा नहीं है। तो आप यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए नहीं तो मैं लिखती थी यहाँ पे कि हाइट इक्वल हेंस एरिया प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस,
हाइट इक्वल हेंस एरिया प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस, ये हमको लिख लेना है। यहाँ पे अभी बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बट यू हैव टू राइट दैट। ये लिखने के बाद आपको लिखना है हाइट इज सेम देयर हेंस एरिया प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। बी डी की वैल्यू है हमारे पास 9, फाइंड आउट की थी हमने। डी सी की वैल्यू गिवन है हमको 6, 3 3 जा 3 2 जा, सो वॉट इज द वैल्यू 3/2। हम नेक्स्ट सॉल्ड एग्जांपल देखेंगे, उसमें हमको दिया है कि ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है और पी जो है इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी। हमको इसमें दो पेयर्स फाइंड आउट करनी है, ऐसी दो पेयर्स फाइंड आउट करनी है जिनका एरिया जो है ट्रायंगल्स का इक्वल होगा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आपको टेक्स्ट बुक्स में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मतलब लिखा हुआ है, हम यहाँ पे सिर्फ अभी कैसा है ये एक्सप्लेन कर देंगे। ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी और ए बी ए डी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ये दोनों साइड एक दूसरे को पैरेलल है। तो हम अभी एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बी डी सी, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक हमारा और एक लाइन है यहाँ पे बी डी सी। तो एक ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, आप कोई भी दो ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं। हम यहाँ मैंने यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल कंसीडर किया है एंड ट्रायंगल बी डी सी। तो आपको दिख रहा होगा इसमें ट्रायंगल ए बी सी एंड बी बी डी सी दोनों में जो है हाइट एक ही है, क्योंकि बोथ द ट्रायंगल्स आर ड्रॉन इन टू पैरेलल लाइन्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इज द हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, है ना। दोनों पैरेलल लाइन के अंदर ही दोनों ट्रायंगल है तो उनके बीच का डिस्टेंस मतलब ही उसका हाइट हो गया। तो हाइट भी इसकी इक्वल है, ठीक है। तो इसकी हाइट H1 और H2 दोनों की भी इक्वल है, और उसके बाद अगर बेस देखते हैं तो दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है, ए बी सी एंड बी डी सी, इन दोनों में बेस क्या है दोनों का सेम है। तो हाइट भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है, तो ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये इक्वल रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी को। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी देखा, उसमें भी सेम ही है, हम वही यही मेथड से कि उन दोनों के जो हाइट है वो इक्वल है, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल क्या है पैरेलल लाइन के बीच में है, दो पैरेलल लाइन के बीच में रहेंगे तो उसकी हाइट एक ही रहेगी और सेम रहेगी और दोनों का बेस भी सेम रहेगा। दूसरा अगर ट्रायंगल हम ये लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी सी एंड ए बी डी अगर ट्रायंगल लेते तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए बी सी और ए बी डी दोनों में पैरेलल मतलब बेस भी उन दोनों का सेम ही है, ए बी सी और ए बी डी, ए बी बेस सेम है और हाइट भी सेम रहेगी क्योंकि दोनों भी इस पैरेलल लाइंस के बीच में है ट्रायंगल। नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 4, उसको देखेंगे अभी हम कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया है कि ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसमें पॉइंट डी है साइड ए सी पे और ए सी की वैल्यू दी हुई है हमको, ये पूरे ए सी की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 16 और डी सी की वैल्यू दी है सिर्फ इतना, वो है हमको दी हुई 9। तो हमको ये भी बताया गया है कि बी पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन साइड ए सी। हमको फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देख लेंगे बेस क्या है, ए बी डी और ए बी सी, तो दोनों में हाइट जो है वो सेम है, बराबर है,
बीपी हाइट है दोनों में, तो सिर्फ हमको बेस लेना पड़ेगा। तो ए बी डी इसका बेस जो है वो रहेगा हमारा ए डी, और ए बी सी का बेस रहेगा ए सी। हमारे पास ए डी की वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास ए सी और डी सी की वैल्यू है, तो हम ए डी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ए सी में से अगर हमने ए डी माइनस किया तो हमको मिलेंगी डी सी की वैल्यू। ए डी में से ए सी में से हमने डी सी माइनस किया, ए सी की वैल्यू है 16 माइनस दैट विल बी 16 माइनस 9 इज व्हाट 7। तो ए डी अपॉन ए सी आया इसका आंसर, क्योंकि इसकी हाइट सेम है। ठीक है, तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे, ए डी की वैल्यू 7 अभी निकाली और ये 16, ए सी की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट जो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके इसमें देख लेते कि क्या करना है। बी डी सी, बी डी सी और ए बी सी दोनों में भी हाइट जो है फिर से इक्वल हाइट है, बी पी ही हाइट है, तो सिर्फ बेस लेंगे। इसका बेस है डी सी और ए बी सी का बेस है हमारा ए सी। डी सी इज़ 9 और ए सी इज़ 15, तो इसको सॉरी 15 नहीं है, ए सी 16 गिवन है हमको। तो ठीक है, ये निकल गया। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये दो ट्राइंगल दिए हैं हमको, इसकी इसका भी रेशियो फाइंड आउट करना है। ए बी डी, ए बी डी और बी डी सी दोनों में भी हाइट फिर से इक्वल है, बी पी हाइट है, तो सिर्फ बेसी आएंगे। ए डी अपॉन डी सी, ए डी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 7 अपॉन डी सी की वैल्यू है हमारे पास 9। तो ये जो हमने अभी तक के सारे एग्जांपल्स देखे, इसके इसको अपन ये करके हम लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा सॉल्व कर सकते हो।